अगर आपकी आंखें वीक हैं और आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहती हैं या अपनी आंखों को खूबसूरत दिखाने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस बाय करना है, उसकी क्या केयर करनी है, और अगर वो आपको तंग कर रहा है तो उस सूरत में आपने क्या करना है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ, लाहौर डिफेंस के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरे साथ आप अपॉइंटमेंट मरहम के थ्रू बुक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ नंबर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, कुछ कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, और कुछ थेरेप्यूटिक या बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज भी होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस सिलेक्ट करते हुए बेसिकली आपने दो से तीन डिफरेंट चीज़ें देखनी होती हैं, उसके ऊपर एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब ये है कि एक हद एक वक्त से ज़्यादा के बाद वो आपके लिए नॉन वैलिड हो जाएंगे, और फिर उसके अलावा एक वैलिडिटी ऑफ यूज़ होता है कि अगर आपने वो उसका रैपर खोल लिया है तो आप उसके बाद उस कंटेनर के अंदर से उसको निकालने के बाद उसको एक महीना इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या 6 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें उसके रैपर के ऊपर या उसके पैक के ऊपर लिखी होती हैं। अगर उस वैलिडिटी ऑफ यूज़ से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी आँख के लिए ख़तरा मोल ले रहे हैं। यूजुअली जो कॉन्टैक्ट लेंसेज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनके अंदर मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ यूज़ 3 मंथ्स की है, तो आपने उसको साल हर साल नहीं इस्तेमाल करना। कॉन्टैक्ट लेंस जब आप एक दफ़ा उस कंटेनर से निकाल लेते हैं तो उसके बाद उसको आपने एक अच्छे से सॉल्यूशन के साथ वॉश करना है और हाथ साफ करके आपने अपनी आँख में पहनना है। आँख में पहनने के बाद जब आप उसको उतारेंगे तो उसके उस वक्त भी उसके कंटेनर के अंदर न्यू या फ्रेश सॉल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। पुराने सॉल्यूशन में या पिछले ही सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा नया सॉल्यूशन डाल के अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन हर हफ्ते चेंज होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट लेंस का जो कंटेनर है वो हर महीने या तो स्टरलाइज होना चाहिए या चेंज होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस है जो 3 महीने या 6 महीने से पड़ा हुआ है, अगर आप वो लगाएंगे तो आपकी आँखों के अंदर रेडनेस हो सकती है। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट लेंस ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ आपको रेडनेस होना शुरू हो गई है तो आपने फिर उस कॉन्टैक्ट लेंस को उतार के उसके कंटेनर को और उसके सॉल्यूशन को फेंक देना है, क्योंकि ये वो कॉन्टैक्ट लेंस है जो कि प्रॉबेबली इन्फेक्टेड हो चुका है या ये आपको एलर्जी करना शुरू हो गया है। अगर आप ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस को पहने रखेंगे 3-3, 4-4 घंटे या 5 घंटे तो उस सूरत में आपकी आँख को जो नुकसान है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो फौरी तौर पर आपने कोई भी करीबी फार्मेसी से अपने आई से रिलेटेड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट ले लें, अपनी आँख में लगाएँ और अपने आई स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएँ। अगर ये कॉन्टैक्ट लेंसेज इन्फेक्शन कर रहे हों या एलर्जी कर रहे हों और आप बार बार इसको वही फिर इस्तेमाल करते रहें तो ये इस हद तक भी आपकी आँख को ख़राब कर सकते हैं कि अंधेपन तक पहुँचा दें। कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना बहुत आसान है लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस की केयर करना बहुत मुश्किल। सो बेस्ट ऑप्शन जो किसी के लिए अवेलेबल है वो ये है कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज ऐसे यूज़ करें जो कि डिस्पोजेबल्स हों, जिसके अंदर आपकी क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज और ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो आप एक दफ़ा पहन लें उसके बाद उसको फेंक दें फिर नया पैक खोल के पहन लें, तो उसके अंदर आपकी आँख के लिए सेफ्टी ज़्यादा होती है। अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ कोई ड्रॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं तो उनके उस सूरत के अंदर आपको प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है। कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप अपॉइंटमेंट बुक करके मरहम के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं या अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको हो रहा है उसको एड्रेस करवाएँ। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।